नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनोवॉच पे। रिलायंस कैपिटल जो कि ADEG ग्रुप का एक बहुत बड़ा कंपनी है, जिसके रिलायंस कैपिटल का बहुत सारा सब्सिडरीज है। रिलायंस कैपिटल इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में आया है, उसके बाद रिलायंस कैपिटल में बहुत सारे बिडर्स का नाम भी आया है जो रिलायंस कैपिटल को खरीदना चाहते या फिर रिलायंस कैपिटल के सब्सिडरी खरीदना चाहते थे। तो फिलहाल यहाँ पे जो अपडेट आया है COC की ओर से, कमिटी ऑफ क्रेडिटर की ओर से, रिलायंस कैपिटल को जो है ऑक्शन में लाया गया था। ई ऑक्शन के जरिए जो है रिलायंस कैपिटल के जो एसेट्स है या फिर सब्सिडरी से उसको सेल करने का कोशिश किया जा रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग रिलायंस कैपिटल का जो अपडेट्स है वो एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों रिक्वेस्ट करते वीडियो पर पूरा बने रहिए, कभी भी स्किप मत कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वीडियो को यहाँ पे शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे दोस्तों, स्नैपसी करके आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर में देखने को मिल जाएगा। स्नैपसी को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर में रेटिंग दीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो थोड़ा खरीदिए दोस्तों, स्नैपसी को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बातें। रिलायंस कैपिटल का शेयर दोस्तों बहुत ज़्यादा गिरावट दिखाया है, 90% के ऊपर स्टॉक में जो है गिरावट बनता हुआ दिखा है। अगर आप रिलायंस कैपिटल का शेयर देखते हैं तो 97% या 90% के ऊपर जो स्टॉक में गिरावट बनता हुआ दिखा है। अभी जो यहाँ पे अपडेट आया है, द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ रिलायंस कैपिटल हैज इंक्रीज द बेस प्राइस फॉर द ई ऑक्शन ऑफ द कंपनी टू ₹6,500 करोड़, दस अपसेटिंग द कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल बिडर्स। तो यहाँ पे रिलायंस कैपिटल का जो बेस प्राइस था कुछ दिन पहले जो एक अपडेट आया था, बेस प्राइस वो थोड़ा कम था, अब इस जो है इसको इंक्रीज कर दिया गया है COC के ओर से। रिलायंस कैपिटल के बेस प्राइस जो भी ई ऑक्शन में आना चाहते हैं उनको जो उनका जो बेस प्राइस रहेगा वो है 6,500 करोड़, ताकि इनको पोटेंशियल बिडर्स मिले रिलायंस कैपिटल को। इन द COC मीटिंग हेल्ड ऑन ट्यूजडे द बेस प्राइस वॉज रेज्ड टू ₹6,500 करोड़, टेकिंग इन टू अकाउंट द हाई वैल्यूएशन ऑफ इट्स टू प्रॉफिट मेकिंग इंश्योरेंस एसेट्स, सेड अ सोर्स क्लोज टू द डेवलपमेंट। जो अभी ये इंसॉल्वेंसी का चल रहा है रिलायंस कैपिटल का, तो रिलायंस कैपिटल का जो फुल बिजनेस है, रिलायंस कैपिटल का जो फुल बिजनेस है उसका जो सब्सिडरीज है उसमें देखेंगे तो इंश्योरेंस बिजनेस रिलायंस कैपिटल को एक अच्छा खासा इनकम दे रहा है। इंश्योरेंस बिजनेस जो है सब्सिडरी कंपनी रिलायंस कैपिटल का, वो रिलायंस कैपिटल एक अच्छा खासा इनकम दे रहा है। प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है इंश्योरेंस बिजनेस का, एंड अकॉर्डिंग टू द अर्लियर द डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द अर्लियर प्रपोजल द बेस बीड वैल्यू वॉज एस्टिमेटेड एट 5,231 करोड़, द ऑफर बाई कस्मिया फाइनेंशियल होल्डिंग एंड पिरामल कंसोर्टियम। तो इसके पहले जो रिलायंस कैपिटल का एक बेस प्राइस रखा गया था वो था 5,231 करोड़, उसके बाद जैसे ही देखा है इन लोगों ने जो रिलायंस कैपिटल के सब्सिडरीज है उसमें से जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है उसके वैल्यूएशन निकालने के बाद इन लोगों को लगा है कि इसका प्राइस थोड़ा बढ़ना चाहिए बेस प्राइस, और वो कर दिया है 6,500 करोड़, लगभग यहाँ पे दोस्तों 1,000 करोड़ रुपए के ऊपर बेस प्राइस बढ़ा दिया गया है रिलायंस कैपिटल का। ये नया रूल से उसमें देखेंगे तो द बिडर्स इन द फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड विल हैव टू इंक्रीज द बीड वैल्यू बाई एटलीस्ट 1,000 करोड़ ईच। दिस मीन्स द फर्स्ट बीड हैज टू बी मिनिमम ऑफ ₹7,500 करोड़ एंड द सेकेंड ₹8,500 करोड़। तो यहाँ पे जो भी बीडर रहेगा, आप देखेंगे तो यहाँ पे जो भी बीडर रहेगा उसको जो है 1,000 करोड़ में उसका जो है अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। तो जो यहाँ पे जैसे कि इसका बेस प्राइस है 6,500 करोड़, तो जो बीडर यहाँ पे आएगा उसको 7,500 करोड़ जो है यहाँ पे बोली में नाम देना पड़ेगा, उसके बाद जो यहाँ पे बोली लगाएगा उनको जो है 8,500 करोड़ का बोली लगाना पड़ेगा, वो बोली अगर जो ई ऑक्शन का प्रोसेस है, ई ऑक्शन का जो रिलायंस कैपिटल का प्रोसेस है इसमें। इन द थर्ड एंड फोर्थ राउंड द बीड अमाउंट हैज टू गो अप बाई 500 करोड़ एंड 250 करोड़ रेस्पेक्टिवली। उसके बाद थर्ड राउंड में जो इसका बीडिंग के अमाउंट रहेगा वो बढ़ेगा 500 करोड़ का, और उसके बाद जो बढ़ेगा वो रहेगा 250 करोड़ का। टेक प्लेस ऑन टू डेज फ्रॉम December 2022 इंस्टेड ऑफ मंडे, सेड अ सोर्स क्लोज टू द डेवलपमेंट। तो जो ऑक्शन रहेगा वो 22 दिसंबर को होगा। द न्यू बेस प्राइस टू बेस प्राइस है वो निश्चित रूप से एक हायर अमाउंट है जो रिलायंस कैपिटल को एक पोटेंशियल बिडर मिल सकता है। देर आर लाइकली टू बी सम ड्रॉप आउट इन द ऑक्शन सेड द बैंकर क्लोज टू द डेवलपमेंट, जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में है। तो इन लोगों का मानना है
बेस प्राइस बढ़ाया है, तो उसके चलते एक पोटेंशियल बीडर, एक अच्छा बीडर मिल सकता है रिलायंस के बीटल को। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट ई ऑक्शन ऑफ द स्केल विल टेक प्लेस फॉर अ डेट प्रोजेक्शन अंडर द इंसॉल्वेंसी कोड। तो अभी तक अगर देखेंगे तो इंसॉल्वेंसी कोड में ऐसा पहला बार कंपनी है जो रिलायंस कैपिटल का, जिसको ई ऑक्शन में लाया गया है। रिलायंस कैपिटल वॉज सेंट डेट प्रेजेंटेशन इन नवंबर, तो यहाँ पे लास्ट ईयर को जो रिलायंस कैपिटल को इसमें लाया गया था इंसॉल्वेंसी में। और उसके बाद अगर आप देखते हैं दोस्तों, बहुत सारी कंपनीज का नाम आया था सामने रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए, जहां पे आप देख सकते हैं कि हिंदुजा हेड हिंदुजा के ओर से जो है, हिंदुजा ग्रुप जो है उसके ओर से 5060 करोड़ का ऑफर किया गया था, एंड टोरेंट ग्रुप के ओर से 4500 करोड़ का ऑफर किया गया था, अमेरिकन फाइनेंशियल पावर हाउस ओएक्ट्री हेड ऑफर्ड 4200 करोड़। तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज का नाम सामने आया था जो रिलायंस कैपिटल या फिर उसके सब्सिडरीज को खरीदना चाहते थे, और उन लोगों ने एक ऑफर भी या जो अमाउंट है वो भी ऑफर किया था। बट द वैल्यूएशन रिपोर्ट्स दो विलोअर्स से डफ एंड फिलिप्स एंड RBS एडवाइजर्स के ओर से, तो उनका देख सकते हैं कि वैल्यू जो है रिलायंस कैपिटल का दिया है 12,500 करोड़ और 13,200 करोड़। द लिक्विडेशन वैल्यू ऑफ रिलायंस कैपिटल इज फार हायर देन द वैल्यू ऑफ द बिड्स रिसीव्ड। तो जो बिडिंग का अमाउंट दिया गया है 6,500 करोड़ का, वो देखेंगे तो जो इसका वैल्यूएशन है रिलायंस कैपिटल का जो यहाँ पे बताया जा रहा है, उसमें से बहुत कम है। मतलब वैल्यूएशन अगर देखेंगे कंपनी का, बहुत ही ज़्यादा है जो इनको ऑफर मिला है। तो जो भी कंपनी ने ऑफर किया है रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए दोस्तों, कुछ चीज़ देख सकते हैं। तो बेस्ट प्राइस का जो 231 करोड़ का, एंड अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स विल हैव टू इंक्रीज द बीड वैल्यू बाय एटलीस्ट 1,000 करोड़। दिस मीन्स द फर्स्ट बीड हैज टू बी एटलीस्ट फॉर मिनिमम 7,500 करोड़ एंड द सेकेंड बीड शुड बी 8,500 करोड़। तो यहाँ पे बीडिंग का जो अमाउंट है वो उसमें एक बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जो भी COC है बीडिंग के अमाउंट पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और उनका जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो सबसे ज्यादा यहाँ पे बिडिंग पे ऑफर देगा अमाउंट का, उनको ही शायद से रिलायंस कैपिटल या फिर वही शायद से रिलायंस कैपिटल खरीद सकता है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे रिलायंस कैपिटल का जो ई ऑक्शन का प्रोसेस है उसके लिए अगर देखेंगे तो बहुत जल्दी वो शायद से कंप्लीट हो सकता है, और उसमें जो अपडेट है या फिर इंफॉर्मेशन है वो मिल सकता है कि रिलायंस कैपिटल को कौन खरीद रहा है, उसमें कितना अमाउंट में वो खरीद रहा है। तो वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं दोस्तों। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि रिलायंस कैपिटल में क्या चल रहा है, रिलायंस कैपिटल के शेयर में क्या चल रहा है, एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाए। जरूर कीजिए, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।